मध्य प्रदेश के खरगोन में दो युवकों के बहने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पर कुंदा के तेज बहाव में पार कर रहे हैं नदी। बाढ़ के कारण 15 गांवों के ग्रामीणों को भारी परेशानी। जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर होने के बावजूद यहां नहीं की गई बैरिकेटिंग। ये रास्ता कैबिनेट कृषि मंत्री सचिन यादव के गृह गाँव बोरावा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण खरगोन की सबसे बड़ी कुंदा नदी अब भी उफान पर है। कई पुल पुलियाओं पर से 1.5 से 2 फीट पानी ऊपर भर रहा है। तेज बहाव के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर कुंदा नदी पार कर रहे हैं। खरगोन अवरकच्छ बोरावा मार्ग पर कुंदा नदी पर लंबी रपट बनी है। इस रपट पर पिछले 4 दिनों से कुंदा के बाढ़ पर उफान पर होने से आवागमन ठप है। करीब 15 से 20 गांव के लोग परेशान हैं। रविवार को रपट पर 1.5 से 2 फीट पानी होने के बावजूद कई किसान जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है, झरनिया की रूपा रेल नदी और ऊन में उफनती नदी क्रॉस करने में दो युवक बह चुके हैं। झरनिया में युवक बच गया, लेकिन ऊन में बहे युवक का अब तक पता नहीं चला है। बारिश से पूर्व पुलिस ने जिले के सभी रपट पुल पुलिया पर बैरिकेडिंग करने और बाढ़ के दौरान पुलिस जवान तैनात करने की बात कही थी, लेकिन कुंदा नदी के किनारे ना तो कोई जवान तैनात है और ना ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।